हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप सब लोग कैसे हो, खैरियत से? अच्छा, आज मैं यहाँ पे मैं जाऊँगा उधर, क्योंकि मैं अभी मैं थोड़ा खाना ना, ना नहीं खाए। मैं अभी मैं बैठ रहता हूँ, सुबह के टाइम ये था कि मैं सोया था इधर, तो आज मैं हाँ बैग तो ठीक है। हाँ, अभी जाएंगे उधर खाना खाएंगे, ठीक है? नहीं, मैं पर्स लुबा से लूँगा, क्योंकि उधर थोड़ा सा आप लाउड नहीं बैठने के लिए, तो मैं उधर से पकड़ूंगा, इधर रहूँगा यार। अभी तक मैं 12 बजे हैं, तो फिर इसके बाद देख देख क्या होता है। तो कुछ चीज़ें पकड़ेंगे यहाँ थोड़ा सा, क्या है वो अभी मैं, गर्मी है बहुत ज़्यादा। अभी जुमे का नमाज़ हो गया, जुमे का नमाज़ पढ़ लिया, तो अभी हम उस साइड में जाते हैं, ठीक है? गर्मी जो है, गर्मी अभी है, अभी तकरीबन 12:30 बजे है, 12:30 बजे तो मैं निकल के यहाँ से इसी मस्जिद के अंदर जुमा हमने पढ़ लिया, हम इधर नमाज पढ़ते हैं, ठीक है? इस मस्जिद के अंदर तो यहाँ पे नज़दीक कोल्ड स्टोर है, ठीक है? हम उसके पास जाएंगे, कुछ चीज़ें पकड़ेंगे। वो सुबह के टाइम सिर्फ बस चाय चाय पीता है और कुछ नहीं किया अभी, क्योंकि मैं जल्दी सो गया था, मुझे रात को बहुत ज़्यादा नींद आ रहा था। तो अब हमें मास्क पहनना होते हैं, मास्क पहनेंगे फिर ये होगा कि आपको फिर पहुँचना मुश्किल। अब मैं सड़क क्रॉस करता हूँ, मेरे पीछे गाड़ी भी आ रही है, ऐसा ना हो कि वो मुझे टक्कर मारे। अभी जुमे के दिन कुछ भी नहीं होता यहाँ पे, सब कुछ खामोशी होता, सब कुछ खामोशी है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं, क्योंकि जुमे के दिन यहाँ लोगों की छुट्टी होती है, ठीक है? तो यहाँ पे कुछ लोग जो होते हैं वो मतलब 7 दिन के बाद लोग काम करते हैं, तो वो यहाँ पे आते हैं, तो सारी बात एक दिन छुट्टी मिलता है, ठीक है? तो ये भी लोग जो है वो सोते हैं। यहाँ पे गाड़ी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, ठीक है? जब आप गाड़ी क्रॉस करते हो तो आपको दोनों साइड देखना होता है, यहाँ पे गाड़ी बहुत तेज़ चलती है, तो इसी वजह से बंदे को थोड़ा सा एहतियात करना चाहिए जब जिधर भी आप जाते हो, ठीक है? तो आपको दोनों साइड में देखना होता है, ऐसा ना हो कि आप बातें का मसला हो जाए। मैं आ गया मार्केट को, ठीक है? थोड़ा सा मार्केट है और भी है, लेकिन मैं यहाँ पे जो चीज़ मिलता है वो दूसरे मार्केट में नहीं मिलता, तो पहले मैं उधर जाकर वो चीज़ें मैं लेता हूँ, ठीक है? बाकी सब कुछ हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या हालात है। तो मैं अभी थोड़ा सा मूँगफली पकड़ूँगा, ठीक है? क्या है भाई, खरीद से? ठीक है, अभी हमने मूँगफली लिया, तो यहाँ पे और अच्छा हम दही पकड़ते हैं, यहाँ दही भी बोल के आते हैं, दही पकड़ेंगे यहाँ से दही की तरफ। यहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाता है, जो चीज़ आपको लेना है वो आपको मिलेगा, ठीक है? तो मुझे ये थोड़ा सा चीज़ चाहिए थी, क्योंकि मेरे पास तो अभी उधर जाकर, ठीक है? तो बस ये चीज़ें ली, अब थोड़ा सा इधर से एक चीज़ पकड़ेंगे या वो ब्रेड पकड़ेंगे, ये कट गया। ठीक।
भाई सर्फे कौन सा सर्फे सर्फ वो कपड़े धोने वाले एक रुपये 8 रुपये भाई बस छोड़ दो 1 रुपये 100 इधर सारे 100 आपके सारा चीज़ें थोड़ा सा बस उसको मुश्किल चलो ठीक है थोड़ा सा उधर दूसरे दुकान से कट लेते तो मुझे थोड़ा सा सर्फ चाहिए था क्योंकि मैं सर्फ हम यहाँ पे यूज़ होते हैं तो अभी दिन के पास चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हुई थी यार अभी पता नहीं था कि वो क्या बात है करता वो कहते कि भाई पाँच सब कुछ सरप्राइज हाई हमेशा मुझे पता नहीं था यार इधर भी महंगाई होगी पता नहीं इसने खुद महंगा किया था या इसने महंगाई हो गया था या फिर में भी पहले ये चीज़ें जो मैं ले रहा था ये एक फील्स है ठीक है ये एक फील्स ये पाकिस्तानी तकरीबन 40 बनती है 40 रुपये बनती है ठीक है इंडिया के 20 बनता है नहीं इंडिया के पता नहीं 15-12 बनेगा ठीक है तो बांग्लादेश की तकरीबन 220-22 बनता है तो ये भाई यहाँ यहाँ चलता है लेकिन आज मैं उधर गया उसने कहा भाई 150 का है मैंने कहा नहीं ये देखा यार का ये इस तरह से मार्केट में चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है ठीक है और ये इसको मिनी मार्केट कहते हैं ठीक है मिनी मार्केट में चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं तो अगर आप चीज़ें लेना है तो या तो आप बड़े मार्केट से ले लो जिसको हाइपर मार्केट कहते हैं ठीक है वो से ले लो या ये कोल्ड स्टोर से तो जब चीज़ें लेता हूँ इन दोनों से लेता हूँ क्योंकि कोल्ड स्टोर जो होते हैं वो छोटे छोटे मार्केट होते हैं ठीक है वो बड़े मार्केट से होल सेल पर सामान लेता है तो उसका चीज़ें सस्ते होते हैं ये जो आप मिनी मार्केट होते हैं इसका बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं चीज़ें अभी दही बास मार्केट में आज मैंने उसने मुझे बोला कि भाई 100 कितने बोला 100 पे मैंने कहा चलो मैं यार मैं दूसरे मार्केट की तरफ चलता हूँ उधर मैं देखता हूँ कि उधर क्या सिस्टम है ठीक है तो ये अब जो मैं गया था ये इसको कहते हैं मिनी मार्केट ये ग्रोसरी मार्केट होते हैं ठीक है ग्रोसरी मार्केट या मिनी मार्केट तो यहाँ पे तो सामान तो बहुत महंगा था यार बहुत महंगा था तो आज मैं उधर से साइड में चलता हूँ ठीक है ये जो सामने एक मार्केट दुकान है शायद खुला है उसके पास मैं चलता हूँ उधर से मैं देखता हूँ कि क्या होता है अभी बेरी में इस टाइम गर्मी आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है ठीक है ये सितंबर का जो लास्ट में बिल्कुल मौसम ठीक हो जाएगा यहाँ पे तकरीबन 5-4 मंथ काफ़ी गर्मी होता है काफ़ी गर्मी तो अभी बंदा अच्छा इस टाइम में अगर आप अगस्त और मैं अगर आप बाहर जा सकते ना ठीक है ये भी खुला है मैंने कहा बंद है तो अब मैं इसके पास चलता हूँ ठीक है इससे मुझे अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है दही दही कितने का महंगा हो गया ठीक है मेरे पास 1 रुपये हाँ नहीं कुल नहीं अगर अटना कल दूंगा तो ठीक है कल आऊँगा मैं सब ड्यूटी करता हूँ ये हमारा मंदिर ये यूट्यूब चला यूट्यूब है वीडियो बनाना यूट्यूब के लिए मैंने बस अच्छा अभी ओके महंगा हो गया मैंने कहा सिर्फ उस मार्केट में महंगा है लेकिन इस यहाँ पे भी वही सिस्टम है 150 पे हम कहते हैं कि हमारे मुल्क में महंगाई यार महंगाई है सब कुछ इधर भी बहुत महंगाई है हर जगह पे महंगाई है ठीक है सिर्फ इधर नहीं है कि बस आपको सिर्फ कोई इधर महंगाई पड़ता है हर जगह पे महंगाई तो जो यहाँ पे इस तरह से होता है कि अगर आप अपनी करेंसी के मुताबिक आप उसको चेंज करें ना तो
तो इधर बहुत ज़्यादा महंगा है यार। अभी मैंने जो दही पकड़ा, ठीक है, ये अपने मुल्क में अगर इसको करंसी में चेंज कर दे तो ये तकरीबन 50 का आता है, ठीक है, इतनी थोड़ा सा डब्बा, तो उधर 50 का पूरा आधा, मतलब आधा किलो मिलता है। तो सिर्फ ये नहीं कि किसी हमारे मुल्क में है, शुक्र करो यहाँ पे बहुत ज़्यादा महंगाई है। तो अब मैं आ गया अपनी लोकेशन पे, तो दोस्तों इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। अभी मुझे दीजिए इजाज़त, बाय बाय, अपना ख्याल रखें।